द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, द्विवेदी युग की विशेषताएं। तो द्विवेदी युग जो था उसमें क्या था, हास्य व्यंग्य का पुट ये प्रारंभ हो गया था द्विवेदी युग में। हास्य व्यंग्य का जो पुट था वो हमें देखने को द्विवेदी युग में मिलने लगा था, यानी कि हास्यास्पद और हास्य रस से परिपूर्ण कुछ रचनाएं हमें देखने को मिलती थी। फिर इसमें एक और प्रवृत्ति थी, नीति और आदर्श। नीति और आदर्श की भी रचनाएं द्विवेदी युग में हमें देखने को मिली। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति द्विवेदी युग की थी कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली को प्रधानता मिली, यानी कि खड़ी बोली में सारे प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्यभार संभाला था तो उन्होंने खड़ी बोली पर जोर दिया था, और यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त जी से भी कहा था कि आप खड़ी बोली में रचनाएं कीजिए, इससे पहले आपकी ब्रजभाषा में रचनाएं हुआ करती थी। विभिन्न काव्य शैलियों का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार की काव्य शैली यहाँ पर विकसित हुई, और इस युग की रचनाओं में कथात्मकता थी। कथात्मकता समझते हो, कथा टाइप में, कहानी टाइप में लिखी जाती थी। कथात्मकता थी, राष्ट्रीयता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें झलकता था, यानी कि द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण था। द्विवेदी युग बेहद महत्वपूर्ण युग था। तो कितनी आपने देखा, हास्य और व्यंग्य का पुट था, नीति और आदर्श था, खड़ी बोली को प्रधानता मिली, विभिन्न काव्य शैलियों का विकास हुआ, कथात्मकता, राष्ट्रीय एवं मानवतावादी दृष्टिकोण। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं जब सारी प्रवृत्तियां हो जाएंगी तो अंत में पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर हमारी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका द्विवेदी युग का था। अब छायावादी युग का ले लेते हैं। छायावादी युग की क्या विशेषताएं, छायावादी युग की प्रवृत्तियां क्या थी? एक तो देखो, रहस्यवादी भावना थी छायावादी युग में। ये रहस्यवादी भावना थी, ठीक है, रहस्यवाद ही छायावाद है। व्यक्तिवाद की प्रधानता थी, सब पर्सनल तौर पे कविताएं लिखी गईं। महादेवी ने अपने गाथा वर्णन किया, महादेवी ने जो भी अपने दर्द को बयान किया वो भी सब क्या थी, व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। वो व्यक्तिवादी चेतना उसमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है छायावाद में। प्रेम एवं श्रृंगारिकता, वेदना तथा निराशा, प्रेम और श्रृंगारिकता के साथ साथ वेदना तथा निराशा के भी दर्शन हमें छायावाद में होते हैं, क्योंकि प्रेम यानी श्रृंगार रस में भी प्रेम की कविताएं भी लिखी गईं, वेदना, दर्द, आंसू, कामायनी, ये सब दर्द की भी, आंसू वगैरह, और बीती विभावरी, महादेवी वर्मा जी ने जो भी गीत लिखे अपने नए भरी दुख की बदली, ये सब वेदना के गीत हैं, ये सब निराशा के गीत हैं। श्रृंगारिकता भी कहीं न कहीं झलकती है पूरे छायावाद युग में, वो चाहे पंत की रचनाएं ले लीजिए, चाहे प्रसाद की रचनाएं ले लीजिए, श्रृंगारिक भावना उसमें दिखाई देती है, और कामायनी में तो बहुत ज़्यादा श्रृंगार है। प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति को वहाँ पर प्रेसी बना दिया गया, प्रकृति के मानवीकरण किया गया, प्रकृति का मानवीकरण करके प्रकृति का चित्रण बहुत स्वाभाविक ढंग से किया गया, प्रकृति को बिल्कुल मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया, इसलिए प्रकृति का मानवीकरण कहाँ किया गया है, ये आपके छायावादी युग में किया गया। राष्ट्रीय प्रेम प्रतीकात्मकता, राष्ट्रीय प्रेम और प्रतीकात्मकता ये भी एक लक्षण है आपके छायावादी युग का, क्योंकि राष्ट्रवादी भी राष्ट्रवादी कविताएं भी लिखी गई उसमें, राष्ट्रवाद भी झलकता है कहीं ना कहीं आपके छायावाद में। तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया, राष्ट्रीय प्रेम प्रति का, आपको दो लिखनी होती तो रहस्यवादी भावना याद कर लीजिए, प्रेम एवं श्रृंगारिकता याद कर लीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपके दो अंक यहाँ से पक्के हो जाते हैं, क्योंकि छायावादी और द्विवेदी युग की, छायावादी और रीतिकालीन दो जगहों से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत बार बार पूछा जाता है, और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो खास ही खास है।